इस मॉडल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सिलेंडर लेते हैं। सबको पता है इसका हम साइड सेगमेंट कितना रखते हैं, 12। ठीक है, इसको 1 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाला सबसे शुरू करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक एक है, तो इसका मैं हाइट थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ। अभी अभी मेरे को हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लो अगर ज़्यादा कम लग रहा है ये हाइट। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा अंदर घुस के ऊपर गया है, तो थोड़ा सा एक्सट्रूड किए, सॉरी, थोड़ा सा एक्सट्रूड करके फिर से ऊपर दे दिए थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो ज़्यादा दूर नहीं लेंगे, इतना दूर लेंगे क्योंकि ये जो जितना शेप मेरा गया है उतना दूरी ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फिर से एक्सट्रूड किए, थोड़ा सा अंदर किए, थोड़ा सा उपाय उठाए ऊपर। ना मतलब वहाँ पर लग रहा है जो बाहर की तरफ हिला हुआ है, मगर ये नहीं है, ये स्ट्रेट गया है। फिर ये ऐसे हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया है। देखो फिर से एक ले लिए, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा स्केल ऐसा, ज़्यादा स्केल कर लिए, इतना दूर नहीं, यहाँ सही है। फिर से थोड़ा सा एक्सट्रूड किए, यहाँ तक मेरा बन गया। ठीक है, यहाँ तक मेरा बन गया। देखो कोई डाउट है किसी को? अब जा रहे इसको फिर से ऊपर किए, थोड़ा सा स्केल किए, थोड़ा सा पहले स्केल कर दिए, थोड़ा सा ऊपर कर लिए। ठीक है, फिर से एक्सट्रूड किए, थोड़ा सा स्केल किए, थोड़ा सा ऊपर किए राउंड शेप के लिए। अब देखो यहाँ से ये थोड़ा सा हम दो बार एक्सट्रूड कर ले रहे, एक और दो, इसको थोड़ा सा हम फुला लिए, हो गया। अब यहां से फिर से मैंने एक एक्सट्रूड किया, थोड़ा सा स्केल कर लिया, फिर से एक्सट्रूड किया थोड़ा सा, फिर से एक्सट्रूड किया थोड़ा सा, फिर स्केल कर लिया। मेरा देखो शेप आ रहा है। अब मैंने फिर से एक एक्सट्रूड किया, थोड़ा सा यहाँ तक दे दिए, फिर से एक्सट्रूड किए, थोड़ा सा छोटा किए, थोड़ा सा ऊपर कर लिए। सेप देख रहे हो, जैसे हम लोग बॉटल कर रहे थे ऐसे ही मेरे को सेप चाहिए ऐसा। ठीक है, फिर से एक एक्सट्रूड किए, यहाँ देखो थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इसको मैंने पूरे एज को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा स्केल कर लिया। देखो इतना अगर नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम कर लो, कम हो गया। फिर से हम इसको पकड़े, इतना दूर हुआ, थोड़ा सा अंदर घुसा, एक्सट्रूड किया, फिर से एक्सट्रूड किया, थोड़ा सा उठा, स्केल किया, थोड़ा सा ज़्यादा ही स्केल हो गया, थोड़ा सा कम स्केल हुआ, फिर से एक्सट्रूड किया, फिर से एक्सट्रूड किया, फिर से एक्सट्रूड किया, फिर से एक्सट्रूड किया। ठीक है, फिर से एक्सट्रूड किया, हो गया। इधर मैं सबको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा एक्सट्रूड किया, थोड़ा सा नीचे कर दिया। ज़्यादा है तो छोटा कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको लिए, अब थोड़ा सा इसको अंदर किए पहले, थोड़ा सा ऊपर कर लिए, फिर से सेम ऐसा, थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम, ये हाइट ठीक है, थोड़ा सा फिर से एक्सट्रूड, फिर से एक्सट्रूड,
फिर से एक्सट्रूड हो गया, फिर से एक्सट्रूड, 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 थोड़ा सा छोटा, फिर से एक्सट्रूड हो गया। इधर मैं सेलेक्ट किया, थोड़ा सा एक्सट्रूड किया, थोड़ा सा नीचे, ओ सॉरी, ये थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। इसको मैंने एक्सट्रूड किया, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दो, थोड़ा सा नीचे की तरफ, अगर मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको पूरा उठाएगा तो उठा लो, ठीक है। फिर इसका दो सिलेक्ट किए एक छोड़े, दो सॉरी दो सिलेक्ट किए एक छोड़े, फिर से दो सिलेक्ट किए एक छोड़े, फिर से इधर दो सिलेक्ट किए एक छोड़े, डिलीट कर दो। मेरा ये वाला सेफ हो गया, एक सेकंड फोन आया है। अरे अब मेरे को करना है क्या है, ये वाला हैंडल इसको बनाना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम कर रहे हैं साइड व्यू में गए, ये मेरा साइड व्यू है, लेकिन थोड़ा सा अगर रोटेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना, मेरा साइड व्यू ठीक से दिख नहीं रहा है। तो इसको 15% मैंने रोटेट कर लिया, ये देखो अभी बीच से मेरा ग्रिड गया है ना, तो इसको मैंने अगर 15% रोटेट किया तो एकदम बीच में मेरा लाइन नहीं आ रहा है ना, तो इसको इसलिए 15% मैंने कर लिया, ठीक है। हाँ इसको जस्ट रोटेट कर लिया वाई एक्सिस में 15%। अब जो करना है मुझे यहाँ से निकालना है, तो उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर दो एज लिस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, दो इंसर्ट कर लिया। इधर मैंने एक को सिलेक्ट किया, इधर मैंने ऑपोजिट वाले एक को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये तो नहीं तो मिडिल में नहीं होता ना, अगर 15 डिग्री एंगल में नहीं घुमाता तो ये मिडिल में नहीं होता। तो फिर से मैंने एक्सट्रूड किया थोड़ा सा करके, थोड़ा सा बाहर कर लिया जितना दूर मेरा जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा अगर नीचे का जरूरत है नीचे कर लो, थोड़ा सा ये दोनों एक्सिस मैंने पकड़ा, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, नीचे के तरफ डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका ऑपोजिट इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा एक्सट्रूड किया, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, यहां देखो ब्रिज है, यहां जाके देखो ब्रिज है, हाँ ब्रिज ऑप्शन बॉक्स में गए, इसको नॉर्मल लिनियर पाथ कर लिए, ठीक है। इसको अप्लाई किए, देखो मेरा लिनियर पाथ अप्लाई हो गया, ये लिए इसके साथ इसको अप्लाई किए, देखो लिनियर पाथ अप्लाई हो गया, आ गया। अब मेरे को चाहिए ये वाला और ये वाला, थोड़ा सा डिस्टेंस में भी चाहिए ना, ऐसा। अच्छा इसको और ये दोनों को पकड़े, थोड़ा सा मोटा चाहिए बोल रहे थे, ऐसा, ठीक है। इसको डबल क्लिक किए, इसको डबल क्लिक किए, इस एज को डबल क्लिक किए और इस एज को डबल क्लिक किए, पूरा लुक को पकड़ लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेवल कर लिए, बेवल, सिर्फ राइट क्लिक बेवल एज, या फिर हम यहां से जाएंगे बेवल है, हाँ बेवल है, ठीक है। हाँ, बेवल है, ठीक है। बेवल का अगर सेगमेंट भी ज्यादा चाहिए, यहाँ जाके थोड़ा सा एक सेगमेंट बढ़ा लो, दो सेगमेंट बढ़ा लो, कितना मेरा स्मूथ चाहिए वो देखना है। मेरा ये यहाँ तक कंप्लीट है, देखो। हाँ देखो आउटलाइन, अगर मैंने अभी स्मूथ दिया तो मेरा देखो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मुझे लूपिंग देना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इंसर्ट एज लूप टूल,
यहां से थोड़ा सा ऊपर, यहां से थोड़ा सा नीचे, यहां से थोड़ा सा इधर, इधर से थोड़ा सा इधर, इधर से थोड़ा सा ऊपर, इधर इधर, हाँ नहीं 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 जरूरत नहीं है, इधर नहीं, स्मूथनेस हट जाएगा। ठीक है, एजेस में सिर्फ दे दे रहा हूँ हर एक जगह, जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ रहा है फिर देंगे हम, अभी मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ सिर्फ मैंने कुछ लूप ले लिए यहाँ, ठीक है। अब थ्री मारो, देखो अब कुछ हो रहा है, बिगड़ा कहाँ बिगड़ा? ठीक है, कर पाओगे? अब मैं जा रहा हूँ ये वाला बनाने का, ये वाला बनाने का सोच रहा हूँ, तो क्या करूँ? मुझे बनाना है यहाँ पर या यहाँ पर, बोलो। ये वाला में बनाएंगे, एक मैंने एज ले लिया, ठीक है, तो एक एज लिया, तो यहां पर एक चैम्फर कर दिया इसको पकड़ के, ये मेरा चार एज में डिवाइड हो गया, एक वर्टेक्स को पकड़े, यहां पर गए एडिट में, इसमें जाके बेवल कर दिए, सेम चीज है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको एकदम स्क्वायर शेप में दे दिया सबसे पहले, हाँ स्क्वायर शेप, अभी मेरा कैसा चाहिए वो देखो पहले। आ गया, किसी को कोई डाउट है? यहाँ एक ले एज ले लिए, यहाँ एक एज ले लिए, ठीक है, इसको पकड़ के थोड़ा सा गोल कर लिए, राउंड शेप हो गया, ये चार एज को पकड़े, एक सॉरी एक एक्सट्रूड मारना है, आ रहा है। अब यहां से ये वाला शेप बना सकते हो, लेकिन अभी मेरा नहीं हुआ है, यहां देखो ट्रायंगल में है, एक दो तीन चार पांच छः, छः में है, तो इसको पकड़े, इसको पकड़े, पकड़ के यहां देखो, यहां जाके कनेक्ट है, कनेक्ट ले लिए, इसको पकड़े, इसको पकड़े, कनेक्ट ले लिए। हमेशा हम लोग याद रखेंगे क्वाड में रखना है, कुछ भी काम करेंगे क्वाड एज में रखना है, एक फेस का चार एज होगा, ठीक है,
नहीं तो असुविधा हो जाएगा हम लोग को टेक्सचरिंग में, लाइटिंग में, हाँ सब में, रिगिंग में, हर एक में हम लोग का असुविधा होगा, हर एक में मैंने क्वाट कर लिया। अब यहाँ से मैंने ये वाला सेप भी दे सकता है, ठीक है। इसका सेप थोड़ा सा राउंड नहीं हुआ है तो राउंड कर लिए थोड़ा सा, ठीक है। अब चाहिए मुझे ये वाला मॉडल। इसके लिए सबसे पहले हम ले रहे एक टॉरस, ठीक है। इसका मैंने जो सब डिवीजन एक्सिस है 6 दिया, 6 नहीं 12 दिया, और ये जो एक्सिस है ये मैंने 6 दिया, थोड़ा सा कम लूप कर लिया। अब थोड़ा सा मैंने ऊपर उठा लिया, थोड़ा सा स्केल कर लिया, ठीक है। ये सिलेंडर नहीं है, टॉरस है। ये ले लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्केल कर लिए इधर से एक्सेस, ठीक है। बीज वाला को डिलीट कर दिए, इसको पकड़े, एक एक्सट्रूड किए, एक्सट्रूड, एक एक्सट्रूड, एक एक्सट्रूड, एक एक्सट्रूड आ गया। अब इधर से भी मैंने डिलीट कर लिया, हाफ पोर्शन मैंने उड़ा लिया। इसको मैंने क्या कर रहा हूं, अब एक मिरर कर लेने से हो जाएगा। यहाँ गए, ये कौन सा एक्सिस है, मेरा जेड एक्सिस है, जेड प्लस है, तो यहाँ जेड प्लस में मैंने मिरर किया। देखो मिरर हो गया, लेकिन ये जो मैंने किया था वो मेरा डिलीट हो गया, तो इसका थ्रिसोल्ड जो है मर्ज थ्रिसोल्ड, इसको कम कर दिए, और इसका जो एक्सिस है इसको भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया। ठीक है, या फिर अगर मिरर नहीं करते हैं तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको कंट्रोल डी मारे। ये कौन सा एक्सिस है मेरा, जेड है, ये माइनस जेड कर लिया। अब देखो माइनस जेड कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों को पकड़े, ये दोनों को पकड़े, इसको मैंने मर्ज कर लिया, मेस कंबाइंड, हाइट किए, हाइट किए, इसको इसको सिलेक्ट किए, करने के बाद ये आइसोलेटेड सिलेक्टेड है, इसको प्रेस किए तो मेरा ये हो गया, ठीक है। ये दोनों को सिलेक्ट किए, ये दो वर्टेक्स को सिलेक्ट किए, मर्ज किए, ये दो वर्टेक्स को सिलेक्ट किए, मर्ज किए, ये दोनों 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 वर्टेक्स को सिलेक्ट किए, मर्ज किए, देखो मर्ज हो गया सब।
नहीं तो पहले क्या था, मेरा हर एक वर्टेक्स अलग अलग था, देखो अच्छा हरी तले के ठीक सोपर है, कोण करता नहीं कोण कोण हर एक का सोपर कर कोण से लिए। मैं एक्चुअली मार्च पे जो थे सर हाँ तो आप नहीं होगा, क्या नो सब अलग अलग हम क्यों कर रहे हैं, कोई कारण होगा। थोड़ा पूरे एकवारे ठीक है सा जाएगा इसको अंदर किए, इसको थोड़ा सा दूर से किए, मेरा हाँ ऐसा मेरा सेप हो गया। आइसोलेटेड ऑफ किए, मेरा देखो ऐसा सेप। अब ये भी उल्टा होगा, इसको भी हम कंट्रोल डी मारे एक। ये कौन सा एक्सेस है, ये -1 कर दिए, सॉरी कंट्रोल डी, ये 1। अब इसको प्रेस किए, प्रेस करने के बाद इसको यहां बैठा दिए, इसको प्रेस किए थोड़ा सा बाहर कर दिए, इसको प्रेस किए थोड़ा सा इधर कर दिए, ठीक है। अभी देखो ठीक है आ गया, ठीक है। साइड है ये एक्स, ऊपर कर दो, ये दोनों को ऊपर कर दो। अब मेरा उस हिसाब से किए थे ना, तो उस हिसाब से मेरा हुआ है, तो वर्टेक्स पकड़ के उठा दो ऊपर अगर जरूरत है तो। नीचे वाला रिंग है जी हाँ नीचे वाला रिंग भी हम किए ना, इसीलिए ठीक है।